नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये हीरो की एक स्प्लेंडर प्लस बाइक है, मुझे इसमें डालना था टाइमिंग चैन, लेकिन फ्रेंड्स मैंने देखा इसकी जो ऑयल पंप की जो स्प्रॉकेट है वो भी हो चुकी है ख़राब, तो मुझे अब इसको चेंज करना है बिना ही क्लच को ओपन किए। तो मैकेनिक लोग जो हैं इस स्प्रॉकेट को जो है कई बार चेंज करने के लिए पूरा क्लच खोल देते हैं और फिर ऑयल पंप को खोलते हैं और फिर इस स्प्रॉकेट को फिट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप इसको बिना ही क्लच ओपन किए इसको पॉकेट को डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो करना क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस पॉकेट को जो है साइड से तोड़ना होता है, ये बुश जो है वो अलग करना होता है। तो उसके लिए आप एक थोड़ा सा मोटा स्क्रू ड्राइवर लीजिए और हथौड़ा इस पर मारिए और इस पॉकेट को अलग करना होता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे आप इस पर चोट मारकर साइड में जो है इस पॉकेट को, जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है, इस बुश से आपको अलग कर देना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए जैसे मैंने इसको अलग कर दिया है और अब प्लास की मदद से मैं इसको जो बुश है उसको खींच लेता हूं बाहर ऐसे। तो देखिए ये पॉकेट जो है अब अलग हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें इस पॉकेट को बिना ही क्लच को ओपन किए डालना है। वो कैसे डालेंगे हम, मैं अब आपको वो भी बताने वाला हूँ। यदि आपने ये इसके बारे में नहीं पता तो आज आपको पता लगने वाला है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हीरो की बाइक में प्रॉब्लम आम होती है, इस ऑयल पंप की जो स्प्रॉकेट है वो ख़राब हो जाती है। तो पहले हम इस बुश को जो है इस रोड से अलग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस बुश को जो है इस रोड से कर दिया है अलग। अब आपको करना क्या है, जहाँ पर ये जो रोड है, इस रोड पर आपको एक 10 नंबर का जो बोल्ट है उसको कर देना है टाइट ऐसे। ओके फ्रेंड्स, तो टाइट करने के बाद आपको इसको एक चूड़ी ऊपर से, ये जो आपने बोल्ट लाया है उसको एक चूड़ी ऊपर से आरी की मदद से या फिर ग्राइंडर की मदद से आप इसको कट कर सकते हैं ऐसे। देखिए हम इसे काट लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ऊपर से ना काटें फ्रेंड्स, एक चूड़ी का ही ऊपर से काटें, वरना ये जो ऑयल पंप की स्प्रॉकेट है वो फिट नहीं हो। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, देखिए जैसे मैंने काटा है इस बोल्ट से एक चूड़ी ऊपर ही। ओके फ्रेंड्स, इतनी ही ऊपर रखें और इसको कट कर दें। अब आपको एक और काम करना है फ्रेंड्स, अब आपको ये जो रोड है इसके बीच में एक जो है कट लगा लेना है ऐसे हल्का सा, ताकि जो हम इसमें अपना जो सक्रिय ड्राइवर है वो इस कट के अंदर फंसा सकें और वो जो हमारी ऑयल पंप की स्प्रॉकेट है उसको टाइट कर सकें ऐसे। ये हमारी ऐसे मदद करेगा ये कट, ये ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस रोड को जो है उस जो जहाँ से हमने इसको निकाला था वहाँ पर घुमा कर डालेंगे। घुमाना ज़रूरी है फ्रेंड्स, ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें बैठ जाए, जो ऑयल पंप है उसके अंदर फिक्स हो सके। देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा घुमाएं जरूर, ये ध्यान रखें। और अब हम इसमें नई स्प्रॉकेट डालते हैं जो ऑयल पंप की है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर इसके बीच में जो बुश लगा है वो यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ये दूसरी साइड से आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये बुश जो है ये बाहर है। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें जब ये स्प्रॉकेट आप डालें, ये जो बुश जिस साइड से बाहर है वो हिस्सा हमें अंदर करना है, जहाँ पर हम इसको टाइट करना है। ओके फ्रेंड्स, जहाँ से बुश बाहर है वो हिस्सा अंदर आके, और जहाँ पर आपने कट लगाया था इस रोड के बीच में वहाँ पर एक ऐसे स्क्रू ड्राइवर से इसको रोक लें और इस जो की जो स्प्रॉकेट है इसको टाइट कर दें अच्छे तरीके से। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ये स्प्रॉकेट जो है वो फिट हो जाएगी। लेकिन कुछ मैकेनिकों का थोड़ा अब कन्फ्यूजन हो सकता है, वो सोचेंगे शायद भाई ये ऐसे खुल सकती है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं कई वर्षों से इस पॉकेट को ऐसे ही फिट करता आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप बेफिक्र रहिए, ये पॉकेट नहीं खुलेगा, भरोसा रखिए। ओके फ्रेंड्स, और यदि फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कीजिएगा लाइक, और यदि आपने अभी तक नहीं किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।